Hello everyone, I'm Shwetambri Sharma from KMS Fashion. Aaj hum 3 stages of prenatal development karenge. Antenat Home Science June 2020 ke liye child development and human development ka. तो लास्ट हमने अपनी वीडियो में बात की थी कंसेप्शन के बारे में. उसके अंदर था कि लास्ट हमारा था कि कितने पे डिवाइड होता है हमारा प्रीनेटल डेवलपमेंट. तो उसकी 3 स्टेजेस होती है, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फोइटस. सबसे पहले आता है हमारा पीरियड ऑफ ओवम, कंसेप्शन ऑफ 2 वीक्स. ये पीरियड हमारा 2 वीक्स तक का चलता है. After fertilization, the nucleus of the sperm and the ovum fuse and the chromatic material from each of the nuclei join to make a new individual. Fertilization के बाद sperm और ovum के nucleus आपस में fuse करते हैं और दोनों nuclei में जो chromatic material निकलता है वो joint होके एक नए individual को बनाता है. This cell then pass down the fallopian tube, dividing into 2, 4, 8 and more cells. ये न्यू सेल फिर फेलोपियन ट्यूब से पास करके 2, 4, 8 या काफी सेल्स में डिवाइड हो जाता है. ऑन एंटरिंग द कैविटी ऑफ द यूट्रस द सेल मास इज टू बिग टू अलाउ द इनर मोस्ट सेल टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद जब यूट्रस की कैविटी के अंदर इस ये एंटर करता है तो जो सेल मास होता है वो इनरमोस्ट सेल का सेल मास बहुत ज़्यादा होता है. तो वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को. इसी पीरियड के दौरान स्मॉल टेंड्राइल्स बिगिन करना स्टार्ट करते हैं. वो आउटर वॉल ऑफ द जायगोट पे प्रोजेक्ट करते हैं और वॉल ऑफ यूट्रस में बोरो हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं. इसी तरह से जो जायगोट है वो अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल के साथ और मदर के ब्लड से जो हमारा ओवम है उसको न्यूट्रिशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, नरिशमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है. इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन प्रोसेस बोलते हैं जो कि 2nd वीक तक ख़त्म हो जाता है. ये जो डायग्राम है हमारा ये है ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन के दौरान तक का. ओवरी है, ओव्यूलेटेड सेकेंडरी ओकाइट है, देन 0 डे जायगोट बना फेलोपियन ट्यूब के द्वारा वो वॉक करता है, जाता है और अपना सारा आगे का यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे डेज में वो अपना काम जायगोट बनाना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो एम्ब्रियो के तरफ चला जाता है जो कि आएगा हमारा नेक्स्ट पीरियड ऑफ एम्ब्रियो में. ये डायग्राम है, ये हमारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो को डिफाइन करेगा. ये यूट्राइन लाइनिंग होती है, योक सैक, एम्ब्रियो, एमनियोटिक सैक, प्रिमिटिव प्लेसेंटा. आइए जानते हैं पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है, ये 3rd से 8th वीक तक चलता है. अबाउट 8 or 9 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड ओवम सेटल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द यूट्रस. 8 से 9 दिनों के फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है हमारा, जो पीरियड ऑफ ओवम में ओवम आया था, वो अब सर्फेस ऑफ यूट्रस पे सेटल डाउन होने लग जाता है. सम ऑफ द सेल्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम स्टार्ट्स इरोडिंग इन टू द मदर टिश्यू एंड एग स्लोली सेटल इन टू द मदर्स यूट्राइन लाइनिंग द प्लेसेंटा बिगिन्स टू डेवलप. अब यहाँ पर देखिए ये प्लेसेंटा बन रहा है और ये हमारा यूट्राइन लाइनिंग है. इस पे मदर टिश्यूज से कुछ एक एग्स हमारे स्लोली सेटल डाउन हो जाते हैं इस लाइनिंग पे और प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. All the substance the embryo receive from the mother and all the waste material must pass through the placenta barrier so the fetus life depends on it. अब जितना भी nourishment का material है, जितना भी बच्चे को बढ़ने के लिए embryo को develop होने के लिए need है, वो सब तो मदर से एम्ब्रियो रिसीव करता है, लेकिन जितना भी वेस्ट मैटर होता है वो प्लेसेंटल बैरियर के द्वारा निकल जाता है ताकि जो फॉयटस बनना है, फॉयटस की लाइफ इसी चीज़ पर डिपेंड करती है. द मल्टीपल ब्रांचिंग ऑफ द प्लेसेंटा हेल्प इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड एक्सचेंज. जो प्लेसेंटा की मल्टीपल ब्रांचिंग है वो हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या फूड का एक्सचेंज होता रहे. एम्ब्रियो इज जॉइंट टू द प्लेसेंटा बाय अ लीश ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर्मिंग द एम्बिलिकल कॉर्ड.
बच्चा जब पैदा होता है तो वो मदर के साथ एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा अटैच होता है जो बच्चे की नाभि से कनेक्ट होती है। इसी कॉर्ड से एम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को नरिशमेंट जाते हैं। तो जब एम्ब्रियो ज्वाइंट करता है प्लेसेंटा से, वो किस चीज़ से ज्वाइंट करता है? एक एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द फोएटस अलोंग वन ऑफ टू आर्टरीज टू द प्लेसेंटा वेयर इट इज रीऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। जो ब्लड जो फोएटस के अंदर ब्लड जाता है वो दोनों में से किसी एक आर्टरी से जाता है प्लेसेंटा में, और ऑक्सीजन रीऑक्सीजनेटेड होती है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव कर देती है। इसी पीरियड के दौरान एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एम्ब्रियो के चारों तरफ और उसको अपने चारों तरफ ले लेता है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सैक। ये देखिए, ये हमारा एमनियोटिक सैक और ये हमारा एम्ब्रियो। तो ये उसके साइडों में एमनियोटिक सैक डेवलप हो जाता है। गेट इट? देन इस एमनियोटिक सैक को, इसके अंदर क्या कंटेन होता है? एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि फोएटस को फ्लोट करने में हेल्प करता है ताकि कोई भी मैकेनिकल शॉक हो या फिर टेम्परेचर में चेंज हो, साउंड में चेंज हो, उस सब से फोएटस सेफ रहे, बचा हुआ रहे। इसीलिए वो कहीं भी स्टेबल नहीं रहता, वो फ्लोट करता रहता है। डेवलपमेंट इस दौरान पे जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होती है। क्यों? क्योंकि यही हमारे क्रूशियल टाइम होता है। इसके अंदर ही सारे मेजर ऑर्गन्स, टिश्यूज़, बॉडी के सिस्टम्स फॉर्म करते हैं। जो बॉडी के लिम्ब्स होते हैं वो बहुत पहले ही डेवलप हो चुके होते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो वीक होते हैं। आर्म्स मोर एडवांस्ड, मतलब जो हमारी हाथ होते हैं, जो बच्चे के जो एम्ब्रियो के आर्म्स होती हैं वो जल्दी बन जाती है लेग की डेवलपमेंट से पहले भी, लेकिन अंदर बॉडी के यूट्रस के अंदर कोई भी नीड नहीं होता इन दोनों चीज़ों का, इसलिए फुल डेवलपमेंट जो होती है इसकी वो स्लो होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो डेवलप कर होते हैं वो एक सिंगल ट्यूब में डेवलप करते हैं जो ग्रो करती है बहुत ज़्यादा जल्दी से, क्योंकि अब उसको वो चीज़ें यूज़ जितनी चीज़ें एक बेबी को बाहर आते ही इस्तेमाल रैपिडली करनी है वो सब एकदम से ग्रो करेगी। और जैसे हाथ पैर लिम्ब्स हो गए, ये आराम से बॉडी बाकी की ग्रो करती रहेगी। सम पार्ट ऑफ द ट्यूब इंक्रीज इन साइज। अब एम्ब्रियो का स्टोमक बनना है और लार्ज इंटेस्टाइन बननी है, तो कुछ पार्ट ट्यूब का लार्ज भी होता है जहाँ से बाकी ग्रोथ कंप्लीट हो सके। जो हर्ट बनता है, हर्ट डेवलप होता है, वो पेयर ऑफ ब्लड वेसल से डेवलप करता है जो कि बाद में ग्रो करता है विड्थ और लेंथ वाइज। बर्थ से पहले फोएटस ऑक्सीजन रिसीव करता है प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर के ब्लड से। लंग्स डेवलप करते हैं पाउचेस के अंदर विच हैज़ स्प्लिट ऑफ द गट ट्यूब एंड मेक देम अलाउ सेपरेट ट्यूबल सिस्टम इन फ्रंट ऑफ द गट। लंग्स दो हैं तो वो स्प्लिट ऑफ कर जाते हैं बाद में गट ट्यूब के अंदर ताकि अपना अपना सेपरेट सिस्टम चला सके। किडनी यूरिन को एक्सक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, निकालना स्टार्ट कर देती है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा फंक्शन में आ जाता है। ये एम्ब्रियो की स्टेज रहती है जिसमें जो अब हमारा एम्ब्रियो है वो कितना 1.5 inch लॉन्ग हो जाता है। ये डायग्राम से समझते हैं। जब 3 weeks का टाइम था, जो हमारा पीरियड ऑफ ओवम के बाद पीरियड ऑफ एम्ब्रियो आया, उसके अंदर ये हमारा जो है ये ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और इसकी 1.5 mm हमारी लेंथ होती है। 4th week में एम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप हुई, आईज डेवलप हुई, अपर लिम्ब हुआ और लोअर लिम्ब हुआ 7 to 10 mm। देन 6 week में ईयर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए और हमारे लिम्ब्स। 8 week तक आते आते वो 2 to 2.5 centimeter या 1.5 inch तक डेवलप हो जाता है। ये था हमारा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। देन आता है हमारा पीरियड ऑफ फोएटस। 9 weeks टिल बर्थ हमारा पीरियड ऑफ फोएटस रहता है। पहले वो ओवम था, कंसेप्शन हुआ, कंसेप्शन में ओवम आया, ओवम डेवलप हुआ, एम्ब्रियो बना जायगॉट से, अब एम्ब्रियो डेवलप होके फोएटस बना। आफ्टर द फर्स्ट 8 or 9 weeks ऑफ इंट्राउटराइन लाइफ द एम्ब्रियो इज कंप्लीट एंड द हेल्थ
हेल्दी फोइटस हैज़ ऑल इट्स असेंशियल ऑर्गन्स। अब पहले 8 से 9 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं और एम्ब्रियो कंप्लीट बन चुका है। उसकी हेल्दी फोइटस के सारे असेंशियल जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप हो चुके हैं इस स्टेज के अंदर। ड्यूरिंग दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस बॉडी सिस्टम टेक प्लेस। अब बाकी जो बॉडी सिस्टम्स होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड, पर्टिकुलरली इन द मिडल मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मिडल मंथ में जो प्रेगनेंसी का ग्रोथ रेट होता है वो बहुत हाई होता है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं अलग अलग रेट्स पे। हेड, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हेड को चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रेन को ग्रो करना होता है। और इसी तरीके से दिस मेक्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो लुक। इसीलिए एम्ब्रियो का जो अपर हेड का हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा लगता है उसकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से। और लिम्स जो होते हैं फोएटस के, वो भी अभी भी क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और उसमें उतनी वो स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन ओकेजनली उसको यूज़ करना होता है तो वो उसी अकॉर्डिंग स्ट्रांग और लार्ज होते रहेंगे। बाकी के लिम्स आफ्टर बेबी की ग्रोथ के। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक और फर्टल डेवलपमेंट है। यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड एग है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल एंड ब्लास्टोसाइट। देन ये हमारा फोइटस है 4 वीक्स का, 10 वीक्स, 16 वीक, 20 वीक, और ये बेबी है और ये एम्बिरिकल कॉर्ड से अटैच्ड है। यहीं से न्यूट्रिशन मिलते हैं, यहीं से ये डेवलप करता है। सो ये थे हमारे प्रीनेटल डेवलपमेंट के स्टेजेस, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो एंड पीरियड ऑफ फोएटस। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए आपको ये टॉपिक समझ में आया। कोई भी आपको कमी लगी या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।